वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, बेसिस परिषद सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ है। कुछ दिन पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण का आदेश आया हुआ था। उस आदेश के तहत 2-3 दिन साइट चली थी, उसके बाद साइट बंद हो गई थी। लेकिन साथियों, पुनः साइट चालू करने के संबंध में जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर की फिर हुई शुरुआत। पारस्परिक अंतर जनपदीय ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी है और देखिए किस तारीख तक आपको अंतर जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन करना है और किस प्रकार से करना है, ये संपूर्ण जानकारी आप सचिव महोदय के आदेश पर एक बार नजर डालें। साथियों, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, यह 3 जुलाई 2023 का आदेश है। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों की पारस्परिक अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में, महोदय कृपया उपरोक्त विषय बेसिक परिषद कार्यालय 1 जून 2023 एवं पत्रांक दिनांक 6 जून 2023 का संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश 20 जनवरी 2023 के अनुपालन उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा पोर्टल https://intradistricttransfer.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाने की तिथि को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु तिथि बढ़ाए जाने के अनुरोध के क्रम में पोर्टल पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 12 जुलाई 2023 तक समय सीमा में वृद्धि की जा रही है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। बहुत ही श्री प्रताप सिंह बाघेल, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज। और साथियों, ये वेबसाइट की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करके आप सीधे साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें और म्यूचुअल साथी के साथ जल्द ही 12 जुलाई के पहले आवेदन करवाएं। और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।